अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नकवी और हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आप सबकी जानी पहचानी हैं, बहुत ही पसंदीदा हैं, हर दिल अजीज़ हैं, हमारे दिलों पे, हमारी टीवी स्क्रीन पे राज करती हैं और सबके घरों में मौजूद होती हैं, सबको बहुत पसंद हैं। और आजकल तो हर तरफ इनका चर्चा है क्योंकि बेबी बाजी को कोई भूल नहीं सकता। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचाने, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत कुछ हैं। क्या क्या हैं ये हम इनसे खुद ही बात करेंगे। और हम खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में समीना अहमद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आप लोग आए यहाँ पर बात करने के लिए। ठीक है। अच्छा, बड़ा चर्चा है आजकल, एक लेटेस्ट जो आपका सीरीज एक चली है, उस सीरियल में आपका कैरेक्टर बड़ा ही शानदार रहा और बहुत ही आप स्क्रीन पे छाई रहीं, दिलों पे तो आप रहती ही हैं, आप स्क्रीन पे भी मौजूद थी। कैसा रहा वो तजुर्बा? बहुत अच्छा था। अच्छा, लंबा था, बहुत टाइम लगा, इतने सारे एपिसोड करने थे, 65 एपिसोड थे, तो उसमें टाइम तो लगता है। और खैर से कास्ट भी बहुत बड़ी थी जी, जो मेन कैरेक्टर्स जो थे सारे वो ही सब पूरी एक खानदान था, तो 8-10 लोग तो हम थे, फिर साथ में और लोग, तो वो एक तरह बड़ा सा प्रोजेक्ट था जिसको हम कहते हैं ना, कि वो ये नहीं था कि सिंगल ट्रैक, एक लड़का एक लड़की, थोड़े से लोग आस पास खानदान के और वो कहानी चले, मगर इसमें ज्यादा थे और सबकी कहानियाँ थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लंबा था मगर बहुत अच्छा था। सारे कास्ट जो थी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, प्यारे लोग, सब हंसी मजाक, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, जैसे कि एक फैमिली के साथ है। मुझे तो कहा कि ये तो हमारी अब फैमिली बन गई है, बन गई, और है। ये कि बाद में भी हमारी बातचीत भी हो रही है और रही है। खाना खाने भी इकट्ठे जा रहे हैं, पिकनिक पर चले गए, इस तरह से वो एक जो था ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, आपका लहजा है बहुत ही धीमा और बहुत ही शाइस्तगी से गुफ्तगू करती हैं। ना बोलूं ऐसे। नहीं, अच्छा लगता है और एक आपकी शनाख्त भी है, बचपन से ही ऐसी थी, बड़ी बादब किस्म की, शायद अब मुझे याद नहीं है बचपन में कैसी थी, शरारती। अच्छा, तो थी, शरारती थी, ठीक है, और रिबेलियस भी थी। अच्छा थी। हाँ। अच्छा, बगावतें होती थी जोरदार किस्म की। ठीक, मतलब मुझे एडवेंचर का जैसे शौक होता है, आपको साइकिल चलाने का शौक है, वो एक बड़ी सी साइकिल थी और अम्मा कह रही नहीं चला, और उन्होंने कहा जाहिर है माँ बाप यही कहते हैं कि बाहर मत निकलना, सड़क पे मत जाना, अंदर गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, जाना है सड़क के ऊपर, गिरना भी है, ठीक है। फिर डांट भी पड़ती थी, डांट पड़ती थी, ज्यादा डांट किससे पड़ती थी? अम्मी से, अम्मी से। और वालिद साहब? वो नहीं, वो वैसे नहीं, डांटने वांटने में नहीं। फादर्स अमूमन बेटियों के साथ जरा ज्यादा लाड रखते हैं, वो सब बच्चों के साथ में एक लेवल के ऊपर थे, डांटते नहीं थे, डांटते नहीं थे। कितने बहन भाई? हम लोग 5 हैं। और आपका ऑर्डर? मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरा एक भाई है, फिर एक बहन है, फिर भाई, और फिर काफी छोटा भाई। काफी छोटा भाई तो वो काफी छोटा, 13-14 साल छोटा। अच्छा, तो लाडला भी बहुत होगा। सही। अच्छा, बहन भाइयों के साथ जैसे होती है बहुत बॉन्डिंग होती है, कोई एक होता है जो बिल्कुल राजदार होता है, ऐसा कोई है? बहन के साथ है। हाँ, तो सारी क्राइम पार्टनर कौन था? क्राइम पार्टनर हम 3 लोग थे जो अच्छा। हम ऊपर तले के थे ना, ठीक है, तो मैं, मेरी बहन और भाई, ठीक है, हम तीनों जो थे, हमारा ग्रुप था। सही। बाकी जो छोटा था जब हम छोटे थे, ज्यादा छोटा था, तो वो नहीं, वो बहुत छोटा तो बहुत ही बाद में अच्छा। था, जब 10-12 साल की एज भी थी ना हमारी, तो वो एक छोटा था, वो 4-5 साल का था, तो हम जरा 7-8 साल के हो गए, सही, तो वो उसको तो फिर हम निकाल ही देते थे ना अपने ग्रुप से, और हम तीनों लगे रहते थे खेल में। कोई यादगार शरारत हुई? शरारत तो मुझे याद नहीं है, मगर हमारा क्रिएटिव काम भी हमारा बचपन से। मतलब एक हमने, मैंने सीखा, एक हमारी टीचर आई, क्वेटा में हम पढ़ रहे थे, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में। अच्छा। तो वहाँ पर एक टीचर आई जो कि मुझे अभी मेरी एक पुरानी दोस्त ने बताया कि मिस जोन्स उनका नाम। अच्छा। तो उन्होंने हमें पपेट्स बनाने सिखाए। सही। और स्कूल में एक हमने शो भी किया, पपेट शो। अच्छा, अब वो हमने सीख लिया।
तो मैंने फिर अपने बहन भाइयों के साथ बैठ के छुट्टियों में वो किया। अच्छा। और हमारे माँ बाप भी बड़े एक्साइटेड हुए कि भाई बच्चे ये इतना मतलब क्रिएटिव काम कर रहे हैं, वाह वाह, तो इनको इनकरेज करना चाहिए और इनकी और मदद हमें करनी चाहिए। तो वो उन्होंने हमें एक फिर स्टेज भी बना दिया और वो फोल्डिंग था और वो आकर हमें लगा दिया करते थे। अच्छा। क्या हेल्प करते थे और फिर हम लोगों को दिखाते थे और उसके फिर थोड़ा सा टिकट चार्ज करते थे। और बड़े बहुत हम एक्साइटेड थे, वो बड़ा अच्छा जबरदस्त काम किया। हाँ, और उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट जो था पपेट्स में सही। वो इतना ज्यादा हो गया, मतलब उस वक्त तो जो हो गया सो हो गया ना, मगर फिर लेटर ऑन इन लाइफ मेरी फारूक कैसर के साथ मुलाकात हुई, मुझे काम करने का मौका मिला फारूक के साथ। तो फिर मैंने जब मैं आर्ट्स काउंसिल लाहौर में काम कर रही थी तो मैंने वहाँ पर पपेट्स का बहुत काम किया। वहाँ पर मैंने पपेट थिएटर एक बनवाया और बेसमेंट को कन्वर्ट करके और वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी और पपेट शोज हर छुट्टी वाले दिन। अच्छा। दो शोज होते थे बच्चों के लिए और अभी भी मेरा ख्याल हो रहे हैं, हो रहे हैं वो अभी तक। अलहमरा के साथ आपकी एक बड़ी वाबस्तगी है। हाँ, बड़ी यादें हाँ, हैं, बहुत काम किया है, बहुत काम किया, बहुत सीखा, बहुत सीखा। और सारे फॉर्मेट्स पे आपने काम किया है, रेडियो भी आपने किया है, स्टेज भी किया है, पपेट शोज भी किए हैं जो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत मैंने किए, और टीवी और फिल्म भी है, छोटी स्क्रीन भी है और सिल्वर स्क्रीन भी है। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है काम में, एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा? सब जगह आता है, सब जगह आता है। नहीं, एक होता है ना, दिल से ज़्यादा करीब होती है बात। जब पहले मैं कर रही थी मुझे ज़्यादा एनर्जी थी और ज़्यादा वो था, मुझे स्टेज पर बहुत अच्छा लगता था। एक तो फीडबैक वो तो एंड रिजल्ट है ना, जो उसका प्रोसेस है। अच्छा। वो एक महीने की रिहर्सल है। हाँ, ये तो है। तो एक महीने में आपको एक स्क्रिप्ट मिला है और आपने उसको पढ़ा है, आपने किरदार अपना समझा है, आपने डायरेक्टर के साथ बातचीत की है इसको कैसे करना है, और वो एक डेढ़ घंटे का दो घंटे का आपने जो शो बनाना है जो लाइव होगा उसकी जो प्रोसेस है ऑफ लर्निंग लाइंस, ऑफ क्रिएटिंग अ कैरेक्टर, बाकी लोगों के साथ मिलके क्या करना है, उसका उसका सेट कैसा बनेगा। अगर वो हम तो नहीं बना रहे, वो और कोई बना रहा है, मगर हमारे सराउंडिंग में तो है ना, कपड़े क्या होंगे, मेकअप क्या होगा, बाल कैसे होंगे, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है ऑफ पुटिंग इट ऑन स्टेज, फिर ऑडियंस रिस्पॉन्स, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग। वो सारे स्टेजेस आप खुद ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं 100% होना पड़ता है आपको ना, क्योंकि आप रिहर्सल कर रहे हैं, बिल्कुल, आप कैरेक्टर बना रहे हैं, डायरेक्टर कह रहा है ये नहीं ठीक है, इसको ऐसे करके देखो, इसको ऐसे करके देखो, तो वो एक आपकी एक बहुत बड़ी लर्निंग प्रोसेस भी होती है। ठीक है, ठीक है, आपको बहुत कुछ समझ आ जाता है, बहुत सारे किरदार आपके बहुत करीब आ जाते हैं, मतलब मेहनत भी है और उसका नतीजा बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा काम है। सही। मुझे बहुत पसंद है स्टेज, बहुत पसंद है। और स्टेज की परफॉर्मेंस को यादगार जो आपको लगा हो, ये कैरेक्टर मुझे स्टेज का, स्टेज का अब तो मुझे बहुत सारे याद भी नहीं रहे हैं कि क्या क्या कुछ किया मैंने। कमाल अहमद रिज़वी के साथ आपने किया? हाँ, मैंने कमाल अहमद रिज़वी के साथ काफी काम किया, नईम ताहिर के साथ किया। अच्छा। और किसके साथ? कवि खान, मसूद अख्तर। कमाल साहब का तो ये था कि कमाल साहब ने तो ड्रामा लिखा और डायरेक्ट भी किया और किरदार भी एक करवाया, बिल्कुल, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। सही, बहुत सिखाया। अच्छा, वो दौर जो था और वो जो इर्द गिर्द आपके लोग मौजूद थे, वो हर शख्स एक इंस्टीट्यूट था, उससे बहुत कुछ सीख सकते थे, बहुत कुछ समझ सकते थे, क्योंकि वो भी एक प्रोसेस से गुजर के आए थे, बिल्कुल, उन्होंने भी सीखा था, और कोई ना कोई एकेडमी, ना कोई पढ़ाने वाला, ना कुछ, उन्होंने भी खुद से सीखा था। अच्छा, आपकी जैसे आप तो सिंपल स्टडीज कर रही थी गवर्नमेंट कॉलेज से आपने की? नहीं, मैं होम इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स में थी। होम इकोनॉमिक्स और बिल्कुल इस तरफ शोबिज की तरफ आना, स्टेज की तरफ आना, कोई उसमें क्या कोइंसिडेंस था, कोई, मगर आई डोंट नो, मुझे शौक था शायद। अच्छा। कोई बात मैं कहती हूँ कि मैं जरा एडवेंचरस थी। ठीक है। तो और फैमिली में भी कोई नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं था। नहीं। दूर दूर तक? दूर दूर तक। अच्छा, तो वो नया नया टीवी था, तो फिर वहाँ गए देखने के लिए, उन्होंने कहा कि भी आप करेंगे एक्टिंग, मैंने कह दिया हाँ। अच्छा। बता कुछ एडवेंचर तो था, एडवेंचर था, तो पहुँच गई वहाँ पर एक्टिंग करने के लिए, शुरू कर दिया, अच्छा भी कर लिया,
अच्छा तो नहीं किया होगा, मगर उस वक्त भी लोगों को उनको जरूरत भी थी, वो सिखाने के मूड में भी थे, तो वो उन्होंने सिखाया करवा करवा के बस इस तरह आगे। इस तरह से फिर एट वन टाइम फिर जब मैं मास्टर्स कर रही थी और मास्टर्स के बाद तो अम्मी ने कहा कि तुम कोई वो कर लो, जॉब कर लो। अच्छा, तो मेरा तो कोई मन नहीं था कि मैं 9 to 5 कोई अब जॉब करूं, बाउंड होके बैठूं। हाँ ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा मैं वो जहाँ भेजती थी इंटरव्यू के लिए वो मैं चली जाती थी। सही, मगर मैं बड़ा गंदा सा इंटरव्यू जानबूझ के कोई सवालों के जवाब नहीं दिए। सही, बहुत नर्वस लगी, मतलब आई नो कि मैं कोई करना नहीं है, दिल नहीं था करने का। गो के मुझे टीचिंग होम इकोनॉमिक्स में जॉब का ऑफर थी, ठीक है, मगर मैंने कहा, उन्होंने कहा कि फिर आपको ये एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, तो मैंने कहा ये फिर तो मुश्किल था, घाटे का सौदा था। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या होता है, इसी में आगे बढ़ती हूं। इसी में आगे बढ़ी और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ी। ये कामयाबी का सफ़र अभी जारी है और बहुत सारी बातें भी अभी बाकी हैं। एक छोटा सा वक्फा और फिर मज़ीद गुफ्तगु। खुश आमदेद। और ब्रेक से पहले हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, समीना अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबकी जानी पहचानी है, और आज हमारे साथ समीना जी एक चीज़ और भी मौजूद है इस शो में। हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है बिन रुमानी की उमेश शिफा ने, और इनका कहना यह है कि ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज के लिए बेहतरीन है। इसमें शामिल हैं शहद, लीमू, अदरक, लहसुन, सेब का सिरका और कलौंजी, जो सेहत के लिए यकीनन बहुत मुफीद है और इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। नहार मुँह नीम गर्म पानी में 2 चम्मच इसके जो ये लिक्विड है जो इसका पूरा बना हुआ है मिक्सचर, उसको इस्तेमाल करें और आधे घंटे बाद नाश्ता कर लें। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी एक प्रोडक्ट है जो प्योर ऑर्गेनिक है, साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, और ये बिन रुमानी की उमेश शिफा हम आपके लिए लाएँ, ये उनकी तरफ से तोहफा है आपके लिए, बहुत शुक्रिया। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जनाब, इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और इससे फ़ायदा ज़रूर होगा यकीनन, और उन तमाम मसाइल। सबसे अच्छी बात तो ये कि ऑर्गेनिक है जी, कोई केमिकल्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और सारे इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं सारे, जिनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, नुकसान और फ़ायदे की बात हो रही है, ज़िंदगी में कोई बड़ा नुकसान जिसको आप समझते हैं ये मेरा लॉस हुआ है ज़िंदगी का? एक एक अच्छा ही लॉस हुए होंगे, पैसों के लॉस हुए, गलत जगह में इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, एक मैंने कार एक दफ़े में उसकी एडवांस दे दिया, वो कंपनी ही बंद हो गई। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, तो वो एडवांस में चला गया, जबकि गुर्बत का ज़माना था, स्ट्रगलिंग टाइम, पैसे जोड़ के वो दिए मैंने, एक दफ़ा एक ज़मीन के इस तरह से पैसे दिए लाहौर में, वो भी फ्रॉड निकला। ओहो, तो ये ऐसे तो बड़े नुकसान, ऐसे बड़े नुकसान हुए। और कोई नफा अचानक कोई लॉटरी निकल आई? नहीं, वो नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं हुई। बतेरी मैंने खरीदी, वो एक जगह गई, वहाँ पर उन्होंने कहा आप ये इतनी शॉपिंग करेंगे तो आपको ये टिकट मिलेगा, फिर इसका लकी ड्रॉ होगा और फिर आपको ये कार मिलेगी। लो जी, हमने कहा रोज़ हर महीने इधर से ही जाके ग्रोसरीज ले लें, वो भी ग्रोसरीज भी ले लें, वो भी वहाँ पर भी नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। अच्छा, आज तक कोई लकी ड्रॉ निकला नहीं, ये तो वाकई अफसोस की बात है। हाँ, ये सोचना पड़ेगा, कोई कोई जो है ना प्लान करके कोई लकी ड्रॉ करते हैं, कोई करे ना, कोई जिसमें निकल आए तो जिसमें सारी पर्चियों पे समीना अहमद लिखते हैं, फिर 100% होगा कि आपका निकल आएगा, वरना कोई चांस नहीं है। 9 पर्चियों पे 10 पर्चे होंगे, 9 पे मेरा नाम लिखा होगा, 1 पे नहीं होगा ना, बस वही आएगी कोई गलती से अगर चली गई तो। ठीक है, मतलब आप इतनी मुतमईन है इस बात से कि ऐसा हो नहीं सकता? नहीं नहीं, मैं जो सिर्फ अगर कभी कोई पैसे कमाऊंगी या कुछ भी होगा तो वो मैं मेहनत करूंगी तभी होगा, तो ही होगा, ऐसे शॉर्टकट नहीं है मेरे, शॉर्टकट नहीं है, ऐसे चलते फिरते मामले आते नहीं यार, हाथ की
लकीर में है ही नहीं शॉर्टकट। अच्छा अच्छा, लकीरों पे बिलीव रखती हैं, किस्मत पे यकीन रखती हैं? देखिए मैं इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि क्या पता किस क्या साइंस क्या है। ठीक है ना, अब हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सही, तो हम बिलीव कर लें या ना बिलीव करें। सही, कुछ और कुछ है, मगर इट्स इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा सा मजा आता है देख के। और जब छोटे थे तब तो देखते थे बे सही बनी है कि नहीं बनी है। बिल्कुल है ना, ऐसे ही होता था। और वो सब यही गौर करते थे कि किसकी ज्यादा अच्छी बनी है। अब बाद में चाहे सबको ही काले कलोटे मिले हों। तो ये बड़े कॉमन सी हमारी एक छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी इन्जॉयमेंट्स होती हैं लाइफ की। लाइफ में किस चीज़ से ज़्यादा इन्जॉय करती हैं? किस चीज़ से ज़्यादा इन्जॉय करती हैं? कोई एक्टिविटी, म्यूज़िक, तन्हाई, शॉपिंग, क्या चीज़? तन्हाई तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, लोगों के साथ, लोग, काम। सही, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मसरूफ रहना। मसरूफ रहना, इसी पे इंजॉय करती हैं। ठीक है, ज़्यादा कुकिंग शुकिंग करती हैं? होम इकोनॉमिक्स में किया था आपने, भूल गई हैं? नहीं, मेरे कभी भी नहीं अच्छी खाना नहीं अच्छा बनता मेरे। ठीक, खाना नहीं बनता, इंटरेस्ट भी नहीं है। टाइम खाने का है इंटरेस्ट। अच्छा, कैसा खाना पकाने का, हर तरह का, अच्छा जायका हो, अच्छी प्रेजेंटेशन हो, वो खाना अच्छा है। कोई मोस्ट फेवरेट डिश? मोस्ट फेवरेट डिशेस मेरी तो सारी हैं, नेहारी पसंद है, पाए पसंद है, सब्जियाँ, सही, आलू, मटर, मतलब हर चीज़ अगर अच्छी बनी हुई हो, अच्छी बनी हुई हो और प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, उसके साथ में आगे जो चीज़ लवाजमात वो अच्छे हों, तो वो बहुत अच्छा। सही, फिर अच्छा है। खाना भरपूर खाती हैं, डाइटिंग करती हैं? नहीं नहीं, डाइटिंग तो नहीं करती। कभी नहीं की। कभी नहीं की लाइफ में? मेंटेन है आप? हाँ, मतलब ठीक है, जो हो गया, वजन बढ़ गया है। पहले तो बहुत दुबली होती थी, पहले तो बहुत दुबली थी, लेकिन अभी भी मतलब ये नहीं है कि ओवरवेट लुक हो आपका? नहीं, ओवरवेट नहीं। हाँ, अभी भी विद इन रेंज। हाँ, विद इन रेंज है। और मैच करता है पर्सनालिटी पे, कोई ऐसा इम्पैक्ट ये नहीं आता कि अच्छा वो जो मोटी है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा ओपिनियन नहीं है आपके लिए। हाँ, मेंटेन है आप। ड्रेसेस का आप बहुत ख्याल करती हैं, खुश लिबास हैं तो शुरू से खुश लिबास हैं? शुरू से। सिलेक्शन अपनी होती है, बुटीक्स पे जाती हैं या डिज़ाइनर अपना रखती हैं? नहीं, डिज़ाइनर अपना भी है। अच्छा, है एक लड़की, वो कर देती है। ठीक है, कुछ पहले खुद ही कर लेती थी। ठीक है, अच्छा। कपड़े सीने का शौक था मुझे। अच्छा, आती है सिलाई? हाँ। अच्छा, वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी आती है। अच्छा, मगर अब ये है कि टाइम नहीं, टाइम की भी बात है, अब थोड़ी सी आंखें भी खराब हो गई ना, वो करीब की नज़र में, तो फिर वो पहले ऐनक लगाओ, फिर मशीन में देखो, फिर उतारो, फिर ये को, तो वो बड़ा कम्बरसम हो जाता है, ज़रा परेशानी थी होती, तो इस वजह से अब छूट गया। अब फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। पहले अपने ड्रेसेस खुद ही स्टिच होते थे, खुद ही डिज़ाइन करती थी। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ज़िंदगी के बहुत से नशीब फराज देखे हैं आपने, दुनिया को भी देखा है और तजर्बात भी यकीनन बहुत सारे हुए होंगे, क्या आपको कोई तब्दीली माशरे में लगती है कि पहले ये अच्छाई थी, अब ये ख़राबी है, और अब कोई ऐसी अच्छाई जो पहले नहीं थी? मुश्किल सवाल है। हाँ, बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत लंबे जवाब है और बहुत आसान नहीं है इसका जवाब। सही, अगर हम बहुत ही ब्रीफली बात करें जी, तो जो पहले मुझे अच्छाई नज़र आती थी, एक तो अच्छाई ये थी कि पॉपुलेशन कम थी। हाँ। इतना ज़्यादा रश नहीं था। हाँ। और थोड़ी सी कदरें थीं, थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा थी। सही है। और मैं ये अपने हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, लड़कियों के हवाले से बात करूँगी कि ठीक है, बुरे लोग थे, वाकयात ऐसे ज़रूर होते थे जहाँ छेड़ा जाता है ये वो, मगर बहुत कम थे, रेयर होता था ऐसा, कम थे। सही, कम होते थे। हाँ, और ये भी मैं नहीं कहूँगी कि पहले रिपोर्ट नहीं होता था, ठीक है, रिपोर्ट भी नहीं होता था, मगर हम भी जवान थे, लड़कियाँ तो पता चली जाता और कॉलेज जाना आना, अकेले बस में बैठना, और
जो अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वो बता देता है, बता देता है। आपस में तो पता चलता है, आपस में करता है। तो मैंने नहीं सुना अपनी सहेलियों में कि किसी ने छेड़ा हो या तंग किया हो, भेजा सीटी सूटी मार दी या कुछ ऐसे आवाज को लगा दी, वो इतना इतना इस तरह से जो अनसेफ अब आप फील करते हैं सड़क के ऊपर, अब तो बहुत फिजिकल आप अब्यूज हो जाते हैं, वो नहीं था। ठीक है, सही। एक जमाने में बहुत मुझे बचपन में जैसे याद है कि एक कोई इन्होंने लाहौर में ये भी था कि अगर कोई किसी खातून को कोई छेड़ेगा, लड़की को छेड़ेगा, तो उसको उठा के सीधा थाने में डाल देंगे। अच्छा, सही। उससे भी काफ़ी एक डिटरेंट हुआ क्योंकि वो लड़के पकड़े गए, कुछ खौफ ज्यादा हुए फिर। हाँ, फिर लोगों ने मना कर दिया। कॉलेजेस के बाहर बहुत से लड़के खड़े हुआ करते थे, वहाँ से भी वहाँ पुलिस आ जाती थी और वो भाग जाते थे क्योंकि वो कहते थे हम पकड़ लेंगे। सही। तो इस तरह से कुछ, एक तो ये था कि ओवरऑल भी थोड़ी सी तमीज़ थी, और ऐसे जैसे अब जो अनसेफ आप फील करते हैं बाहर वो नहीं था। अब मैं अपनी बेटी को दुनिया में वो फिर लेती है। सही है। जब वो पढ़ रही थी बाहर तो वो जब यहाँ आती थी तो मैं नहीं उसे अकेले जाने देती थी। सही। हालांकि मैं सारे लाहौर में साइकिल के ऊपर अकेली फेरी हुई हूँ। हाँ, लेकिन अब नहीं हो सकता, हम अपने बच्चों को नहीं कर सकते इस तरह का, ये फ्रीडम नहीं दे सकते क्योंकि माहौल नहीं है। अच्छा, तो कोई अच्छा ये एक बात हुई। दूसरे ये कि जो बर्दाश्त है ना वो बहुत खत्म हो गई। वो खत्म हो गई बिल्कुल। दूसरे के लिए बर्दाश्त कोई वो नहीं कर रही है। अब दूसरे को ये नहीं देखते कि उसको भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, रेड लाइट है, आप घुस के आगे आगे, भाई एक लाइन में खड़े हैं ना। सही। तो आप आगे कैसे आ गए? सही। और हॉर्न बजाते रहेंगे, हॉर्न बजा रहे हैं, मतलब एक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। शॉर्ट टेंपर्ड, और दूसरे का किसी का लिहाज नहीं है। हाँ, ये मुझे बहुत नजर आता है। ये नजर आता है। कोई अच्छाई भी हुई है दुनिया में? कुछ अच्छाई आई? अच्छाइयां तो हैं। मतलब आपकी जिंदगी में तो एक बड़ी अच्छाई आई। हाँ, मेरी जिंदगी में तो बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छा चेंज है। और उस चेंज पे आप जितनी खुश होंगी, मेरा ख्याल है हम सब भी इर्द गिर्द वाले भी बहुत खुश हैं, और बहुत ही रिस्पांस भी आपको मिला, पॉजिटिव ही मिला, बहुत पॉजिटिव था। कैसा तजर्बा तो नहीं कहूँगी मैं इसको, ये फैसला जब कर रही थी आप कि ज़ाहिर सी बात है एक अरसा आपने तन्हा स्ट्रगल की, बच्चों को पाला, बच्चों को एक करियर दिया, उनकी ज़िंदगी में सेटल किया, और उसके बाद ये एक फ़ैसला करना, माशरती दबाव भी होता है कि शादी कर रहे हैं आप, और ख़ुद भी सोच रहे होते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, एक दिल में खौफ भी होता है कि पता नहीं अब इस स्टेज पे आके ये फ़ैसला कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव साइन आ गए तो बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता है, तो ये फैसला करते हुए सबसे पॉजिटिव बात क्या लगी जो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग होकर ये डिसीजन लिया शादी का? देखिए, पॉजिटिव बात तो यही होती है ना कि आपस में हम दोनों का एक मंजर साहब और आप, हाँ, मंजर का और मेरा क्या एक रिश्ता बन रहा है। ठीक है, और क्या बनता है, ये पॉजिटिव थी। अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक जैसी हमारी सोच है और हम चाहते हैं, सबसे पहले बात तो ये होती है ना कि हम चाहते क्या हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हम क्या एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेंगे। अब एक उम्र में आके दोनों अकेले अपने अपने घरों में रहके पक्की हो चुकी होती हैं, तो अब वो वहाँ जर्मनी में अकेले रहते रहे हैं बहुत अरसा, बिल्कुल, तो उनकी आदत वहाँ की किस तरह की है, यहाँ पाकिस्तान में रहे, मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकूंगी जर्मनी, और मैं मतलब उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, वीजा है, जुबान सीखनी है, तो परमानेंट वीजा मिलेगा, ये वो वगैरह। और फिर आप बहुत एक्टिव हैं यहाँ, अपनी आपकी और मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर रह रही हूँ आराम से, तो क्या आप यहाँ रह सकेंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मतलब ये उनका है कि वो उन्होंने कहा कि हाँ मैं यहाँ रहूँगा, वो यहाँ रहते हैं, जाते आते रहते हैं। मगर वो मैं कह रही थी कि पहली बात तो ये होती है ना कि आप दो लोग कितना एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, कितनी उनकी विल है कि हमने एक दूसरे के साथ रहना है। सही सही। तो वो हमारा था कि हमने कहा कि हाँ रहना है इकट्ठा हर हालत। सही, जबरदस्त। तो फिर ये फैसला हो गया, और फैसला हो गया। बड़ा स्मूथली और बड़ा सक्सेसफुल माशाल्लाह ये प्रोसीजर पूरा गुजर गया।
घर से भी बच्चे भी आपके बिल्कुल पॉजिटिव रहे? बच्चे मेरे, अब देखिए हम दोनों के बच्चे हैं बिल्कुल, और उनके बच्चे भी बड़े हैं, वो ही इज अ ग्रैंडफादर, आई एम अ ग्रैंडमदर। तो हमने कहा कि भाई बच्चों से बात, उनको बता दिया, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा भाई आपकी जिंदगी है, ठीक है, आप जो फैसला करेंगे ठीक है, आप करें जो भी करना है। तो कोई जालिम समाज आया ही नहीं, कहीं से रिजिस्ट आया ही नहीं? नहीं आया, नहीं आया। नहीं, किसने ये भी लगी ली वरना होता है ना, किसने रेजिस्ट करना? बार दफा होता है कि आपको क्या बच्चे कहेंगे हमें क्या, हाँ हाँ है अम्मी आप ये क्या कर रही हैं। ये तरबियत की बात है कि आप बच्चों को इतना मेच्योर और इतना अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप करें अपने साथ कि वो इस चीज़ को रियलाइज करें। मेरे बच्चों के है हमेशा से, हमारा ये नहीं है कि मैं कोई कमांड करूँगी तो वो करेंगे, इस तरह से हमारे कभी भी रिलेशनशिप नहीं रही। मैं और बच्चे हम मिलके जो भी कोई फैसले किए वो खुद से किए, जो जिस बच्चे का फैसला है सबकी इनपुट आती है उसको, सही, उसके साथ बिल्कुल, और उसको फुल सपोर्ट होती है, सपोर्ट होती है। मतलब ये एक आपका फैमिली का एक अंदाज है कि एक दूसरे की बात को, राय को रिस्पेक्ट देते हैं और सपोर्ट करते हैं। फिर जो फैमिली में एक एडिशन हुआ है कि मंजर साहब आपकी फैमिली के साथ ज्वाइन, तो वो उनको भी तो सपोर्ट है, उनको भी मजा आ रहा है। हाँ, अब वो होते इस वक्त तो हम ज्यादा मजे से बात करते हैं, उनका ओपिनियन पूछते रहे। नाजरीन, इस वक्त वो गए हुए हैं जर्मनी और मंजर साहब जर्मनी से आएंगे तो हम एक सेटिंग उनके साथ रखेंगे, उसमें आपको थोड़ी देर को बुला लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, उनसे उनकी उनकी कहानी सुनेंगे, जरा तन्हाई में सुनेंगे, ठीक है। तो वो एक, उनको भी एक अच्छा लग रहा है, एक अच्छी आपका बॉन्डिंग, फैमिली बॉन्डिंग बन गई है। सही, ज़बरदस्त, ये बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है और यकीनन हम सब लोगों को जितनी खुशी है, स्पेशली कोविड में जो हमें मज़ा आया कि इतनी एक अजीब सा सन्नाटा सा था उस वक्त जब ये खबर आई, बहुत सन्नाटा था और डिप्रेशन भी था उस वक्त में, मेरा ख्याल है कोई अच्छी खबरें तो कहीं थी नहीं, बहुत ही मतलब एक खौफ सा था बिल्कुल, कि पता नहीं आगे अनसर्टेनिटी इतनी थी कि आगे पता नहीं क्या होगा, ये एक वबा है, ये कब खत्म होगी, कितने साल हैं, कितने महीने हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन आपने बहुत एक सिंबॉलिक और होप, होप आपने लोगों में पैदा कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अभी हम ये फैसले कर रहे हैं तो ज़िंदगी अभी बहुत खूबसूरत है और जीनी चाहिए, ज़िंदगी को जीना भी चाहिए और ख़ूबसूरती के साथ जीना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद हैं समीना अहमद, बातें हैं बहुत दिलचस्प। अच्छा समीना जी, क्योंकि आप शोबिस में एक उम्र गुजारी है, आपने कहते हैं ना उम्र गुजरी है इस दश्त की सयाही में, तो क्या लगता है कि शोबिस में लोग अच्छे एक कामयाब करियर बना सकते हैं? बिल्कुल बना बना सकते हैं, अब तो बना रहे हैं, अब तो बना लोगों के, बहुत से लोगों का ये ठीक है करियर है। और क्योंकि पहले तो होता था कि ये तो शौकिया काम है, इसको पहले, करियर नहीं। पहले बिल्कुल लोग ये पूछते थे, अच्छा तो आप क्या करते, क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं एक्टर हूँ, हाँ 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 एक्टर तो है मगर असल में क्या करते, काम क्या करते, काम क्या करते, ठीक है। तो ये वाला अब ये दौर नहीं, ये दौर नहीं है। अब अगर कोई एक्टर है तो वो सक्सेसफुली अपनी पूरी जिंदगी, पूरा सारे मामलात को चला सकता है, एक एक्टर के तौर पे वो इस तरह कर सकता है। क्योंकि बात है शोबिस की, शोबिस में अब चैनल्स बहुत हैं, आपने पीटीवी के दौर से काम किया है, तब क्या तो वही एक था, तब तो एक ही था और अच्छा भी था और थोड़ी मोनोपोली भी थी कुछ जगहों पे जो है वो, क्योंकि एक अकेला जो है वो बादशाह होता है ना, तो वो मिजाज भी था लेकिन बहुत कुछ अच्छा था, ज़्यादा अच्छा था। अब बहुत सारे चैनल्स हैं, वर्क अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है और
क्रिएटिव आइडियाज़ भी हमें बहुत सारे नज़र आते हैं। आप क्या समझती हैं, ये इतने सारे चैनल्स होना एक अच्छी रिवायत है या सिलेक्टेड होने चाहिए? देखिए, अगर आप उसको सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है, इतने सारे चैनल्स को, उसकी ऑडियंस है, और क्योंकि ये तो सारा का सारा कमर्शियल है और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चलता है, अगर इतना उनके पास है तो ज़्यादा सस्टेन करने में अगर है तो कोई हजारों हमारी तरफ से, अगर इतनी बड़ी मार्केट है और इतने लोग हैं जो कि देख रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई हर्ज नहीं। और जितना मैं कहती हूँ, जितना ज़्यादा काम होगा, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे और जितना ज़्यादा काम होगा, उसी में से कोई अच्छा काम और कोई बहुत ब्रिलियंट काम भी निकल के आएगा, एस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उसमें से निकल। अगर काम ही नहीं होगा, 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 में से क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एक ही तरह का काम किए चले जा रहे हैं, उसमें शायद कभी कभार कोई एक चीज निकल आए। अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं सही, तो उसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि 1000 लोग काम करेंगे, चीजें बनाएंगे, क्रिएटिव इनपुट ज्यादा लोगों की होगी, उसमें से बहुत ब्रिलियंट चीजें निकल सकती हैं। हाँ, क्योंकि हम पीटीवी में देखते हैं तो वो 4-6 फेस नजर आते थे लीडिंग रोल्स में, ज्यादा 10, और वो कैरेक्टर बदलते थे, बंदे वही होते थे। तो अब ये है कि हर बंदा अलग अलग है, अब ज्यादा मौके हैं लोगों के पास। हाँ, बहुत मौके ज्यादा हैं। और जो क्रिएटिव काम है, जो आइडियाज हैं, जो क्वालिटी है, उस पर मुतमईन है? उसमें तो कभी भी इंसान को मुतमईन नहीं होता और ना होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमेशा आप बेहतरी और देखते हैं, आप उसके किस तरह से ये और बेहतर हो सकता था, होना चाहिए, इसको हम आगे, अगर हम ये एक दफ़ा सोच लें कि जी हमने ये क्रिएटिव काम, ये सब का सब बहुत अच्छा है, दिस इज़ द अल्टीमेट, सही, तो फिर आगे ग्रोथ कोई नहीं है। ठीक है, आगे आपकी इमेजिनेशन रुक जाएगी। सही, तो ये तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तनकीद ये होती है कि बहुत घरेलू किस्म के ड्रामे होते हैं। ऐसा ही है, तो वो एक बल्क है जो कि घरेलू किस्म के ड्रामों का है, मगर उसमें से कोई घरेलू बहुत अच्छा भी निकल आता है, और कुछ अलग मौजूआत पे भी, और मौजूआत के ऊपर भी करते हैं। ये वक्त की बात होती है कि कितनी कितना अरसा आप क्या चीज को चलाते हैं। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि पहले तो माहौल के हिसाब से, मुल्की हालात के हिसाब से, और इवन डिप्लोमेसी के हिसाब से भी, मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है डिप्लोमेसी का, उस हिसाब से भी बहुत कुछ बनता था, लेकिन अब ज़रा कम नज़र आता है। आप क्या कहेंगे कि इसको बनना चाहिए? एंटरटेनमेंट चैनल्स पे, जैसे न्यूज़ चैनल पे, एंटरटेनमेंट पे आप देखिए ना, ड्रामे की, क्योंकि मैं तो उसी फॉर्मेट पे बात करूँगी जो आपसे रिलेट करता है, कि जैसे पहले ड्रामे के मौजूआत होते थे, हमने कश्मीर कॉज पे बात कर ली, अगर हमारी डिप्लोमेसी है, अगर फ्रेंडली हमें कोई मैसेज करना है नेबर्स के साथ, तो हमने कोई एक बहुत ही ऐसा पॉजिटिव कैरेक्टर दिखा दिया, अब वो चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। ये मैं बात कर रही हूँ कि हमें अब नहीं है, अब वही मैं जैसे, अब तो यही है ना कि आप जो आपके सोशल सब्जेक्ट्स जो हैं, घर, ज्यादातर घरेलू सब्जेक्ट्स जो हैं, घर के अंदर जो बातें हैं, वो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस है, और बाकी हमारा नहीं है, बाकी सराउंडिंग्स में, मुल्क पे, मुल्क के मामलात पे, इनमें हम अब नहीं नजर आते। क्या एडवाइस करेंगी कि करना चाहिए इस पे फोकस? एक्सपेंड करना चाहिए कि कब तक हम सिर्फ जो घर के अंदर की जो किचन पॉलिटिक्स किचन पॉलिटिक्स है, जो उसके अंदर सिचुएशन है, उसको हम कब तक देखते रहेंगे? तो थोड़ा एक्सपेंड करें, कोई बाहर की दुनिया भी देखें किस तरह से वो रिलेट करते हैं, और यही लोग जो घर के अंदर हैं इनको क्या इफेक्ट होता है उससे। सही सही, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हम उस पर बात कम करते नजर आते हैं, जरा फैंटेसी के ऊपर है, फैंटेसी पे ज्यादा है। और मेरा ख्याल है लोगों को ख्वाब देखना ज्यादा अच्छा लगता है। आप ख्वाब देखती हैं? हाँ, बहुत ख्वाब देखती हैं। डरावने ख्वाब भी देखती हैं, डरावने ख्वाब, हॉरर फिल्में देखती हैं? कैसी फिल्में देखती हैं? फिल्में नहीं देखती, हॉरर नहीं देखती, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, हॉरर नहीं देखती। हॉरर फिल्में देखनी नहीं चाहिए, अजीब सा दिमाग में एक बोझ, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है। हाँ, उनकी उनका शौक है। हाँ, वो जरूर देखें, मुझे नहीं अच्छी, मुझे वायलेंस वाली भी नहीं अच्छी लगती, जहाँ बहुत मारा मारी हो, खून खराबा हो, मुझे वो भी नहीं अच्छी लगती,
एक्शन वाली भी नहीं, कोई जरा जो इमोशनल ज्यादा हो, अच्छी कहानी इस तरह से, अच्छे सब्जेक्ट, जो भी कोई टॉपिक आप कर रहे हो। ठीक है, अभी कोई रीसेंट मूवी देखी पाकिस्तान इंडस्ट्री के हवाले से? फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तानी तो मैं काफ़ी देखती हूँ, अगर पिछले 2-3 महीने से मैं यहाँ थी नहीं तो इस वजह से मैंने नहीं देखी। अच्छा, अब यहाँ आई हूँ तो अब आखिरी हिट तो मेरा ख्याल है मौला जट ही गई है। वो नहीं मैंने देखी। अरे सही सही, इत्तेफाक की बात है कि मौका नहीं मिला मुझे। चले, अगर वो मेरे ख्याल अभी भी लगी हुई होगी। हाँ कहीं ना कहीं तो होगी शायद, लेकिन वही आखिरी। मगर उसके अंदर भी मुझे कहा यही गया कि उसमें बहुत वायलेंस है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, तो मैं फिर उससे जरा घबरा जा, कुछ बारबेरियन टाइप का वायलेंस, तो मारा मारी होगी, सर कटेंगे, खूना खून होगा, वो नहीं नहीं इतना ज्यादा नहीं था, सर ऐसे नहीं कट रहे थे। मगर ये के मैंने सुना कि बहुत खूबसूरत बनी हुई है, बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी, प्रोडक्शन और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है मूवी है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाई। ठीक है, अब क्योंकि मंजर साहब और आप की एक अच्छी केमिस्ट्री है, क्या एक्टिविटी, क्या हॉबी ऐसी है जो आप दोनों मिलके ज़्यादा एंजॉय करते हैं? आउटिंग पे जाते हैं? हाँ, मूवीज़ देखते हैं? क्या मूवीज़ देखते हैं? कम देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तो कोई लगती नहीं यहाँ पर, नेटफ्लिक्स वगैरह तो मूवी ज़रूर देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, थिएटर में जाके सही, और बातें करते हैं, बहुत बातें, दोस्त हैं फिर हमारे बहुत सही सही, उनसे मिलना जुलना सही रहता है, मसरूफियत है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप लोगों की रहती है। सही, ठीक है। कोई सबसे अच्छी आदत जो आपको लगती हो कि मंजर साहब की ये आदत मुझे बड़ी पसंद है, मिस कर रही हूँ मैं उन्हें बहुत, ये सारे सवाल करते हुए। आप क्या मिस कर रही, मैं जो मिस कर रही हूँ? आप तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मिस कर रही होंगी। कोई आदत जो बहुत पसंद हो आपको? कोई एक आदत क्या मैं कहूँ कि बहुत पसंद है, वही तो मेरी नाइस पर्सन, जो एक ठीक है टॉलरेंट पर्सन। अच्छा ठीक है, ठीक है, और केयरिंग है, बहुत केयरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत है, दिल के बहुत अच्छे, दिल के बहुत, वो तो हमें अंदाजा हो रहा है, बहुत लोगों का ख्याल रखते हैं, दिल के अच्छे हैं तभी तो आपने दिल दिया है। अच्छा, कोई ऐसी आदत उनकी? बहुत सादा तबीयत। अच्छा, बहुत सादा तबीयत। कोई आदत ऐसी है जो आपने कहा हो कि भाई मंजर साहब ये आदत आप छोड़ दें मेरे लिए? हाँ हाँ, मैं वो सिगरेट पीते हैं ना। अच्छा, छूट गई? फॉर्मूला बताएं मुझे। अभी कह रहे हैं कि मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अगर ये 100% सच साबित हो तो मुझे जरूर बताइए। हाँ बिल्कुल। और वो बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सही, बाकी तो चले आपने धुआं मुंह में डालना है, धुआं बाहर निकालना है, बेशक मगर आपके जो अंदर लंग्स के अंदर जा रहा है और आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि ये एक मुश्किल टास्क है ना। हाँ बहुत मुश्किल है, 2-3 दफा पहले ट्राई फरमा चुके हैं, फरमा चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, मगर अब कह रहे थे कि अब मैंने छोड़ दिया है और अब कोई हो गए हैं 3 हफ्ते। अच्छा, 3 हफ्ते तो अच्छे खासा टाइम है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाएं तो उनसे कहे गए एक शागिर्द है जो हम उनके हवाले करेंगे और वो उसकी भी आदत छुड़वा लें। बिल्कुल, अब अल्लाह करे कायम रहें, अल्लाह करे कायम रहें तो खावर साहब उनके शागिर्द बनेंगे। और ये नाज़रीन हमारे साथ बहुत ही फ़ायदा मंद ये एपिसोड रहेगा अगर ये हो गया तो। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके काम पे, इसलिए बहुत सारी हमने डिस्कशन नहीं की कि सारी दुनिया आपका काम जानती है, आपकी शख्सियत और आपकी पसंद नापसंद ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जिसको हमने कोशिश की कि थोड़ा सा लोगों तक पहुँचाएँ। कोई ख़ास बात कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को? मैसेज क्या देना, मैंने लोग समझदार हैं, मुल्क के लिए कुछ कहें? मुल्क के लिए तो दुआ ही कर सकते हैं। सही, कि अल्लाह मियां लोगों को समझते। ठीक है, और ये कि जो मुश्किलात में जिसमें हम घिरे हुए हैं इस वक्त, उससे हम निकल आए। बिल्कुल, बहुत कैसे है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सही, और हम बहुत परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, किसी से भी आप बात करें वो परेशान है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई होप कि जो द पावर्स दैट बी, जो लोग मैनेज कर रहे हैं इस मुल्क को, वो उनको भी ये पता है कि सब परेशान हैं और वो इस बात का एहसास करें कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सही बात, और ये परेशानियाँ बढ़ती ही चली जा रही हैं उनकी। सही,
आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ द महंगाई, वो तो एक है ही और वो हमारे पास हमेशा से, हम ये रोना रोते रहे चले, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, तो वो तो एक चीज़ चल ही रही है, मगर जो बाकी हालात हैं हमारी इकोनॉमी के, क्या हालात हैं हमारे आसपास, क्या हो रहा है, सिक्योरिटी क्या है, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, तो हम इस तरह से आजकल के ज़माने में, आजकल की दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। तो हम यही दुआ करते हैं कि जो बरसरे इक्तदार हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनका काम अभी है तो कि यही वो नहीं पता कौन है बरसरे इक्तदार, जो भी हैं ठीक है, जो भी हैं, जिनके जो अथॉरिटीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं ठीक है, और उन्होंने ये उनका ये काम है बिल्कुल ये इस मुल्क को सीधा करें, बिल्कुल ठीक करें, ठीक करें, खुदा करे उन तक हमारी ये आवाजें पहुंचे, हाँ अल्लाह करे पहुंचे, बिल्कुल। तो वो जरा सोचें इसके बारे में और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट डालें, बिल्कुल ठीक है। और अपने आवाम को खूबसूरत जो आपके बहुत पसंद करते हैं, आपके बहुत चाहने वाले हैं, उनको कुछ कहेंगी? उनको मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी बात माने तो थोड़ी सी बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें, ठीक है ठीक है, और एक दूसरे का ज़रा ज़्यादा ख्याल कर लें, लिहाज करें, और वैसे खुश रहें, खुश रहें जैसे आप खुश हैं, आप मिसाल भी तो दें ना, जैसे मैं खुश हूँ इसी तरह खुश रहें, क्योंकि बुरा वक्त होता है, बहुत मुश्किलात भी होती हैं, वो अगर आप डिस्कस कर लें ना लोगों के साथ, अपने ऐसे लोग जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनके साथ डिस्कस करें, तो वो कम हो जाती हैं, सही, और आपके अंदर ही ये होता है कि आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, निकल जाता है वक्त, सही, अगर खुश असलूबी से निकल जाए तो अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत मुलाकात, और आपसे मिलके जितना हमें मज़ा आया यकीनन हमारे नाज़रीन को भी बहुत मज़ा आया होगा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी समीना अहमद, और जितनी खूबसूरत शख्सियतें उतनी खूबसूरत गुफ्तगू है और उतनी खूबसूरत सोच भी रखती हैं। नाउमीदी वाकई इंसान के लिए नुकसानदेह और कुफ्र तो है ही, इसलिए पुरुमीत रहें इस मुल्क के लिए भी, अपने मसाइल के लिए भी, अपने मसाइल के हल के लिए भी, और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग हमेशा इसी तरह हमारा प्रोग्राम तो ज़रूर देखते रहें, खैर लेकिन ये कि खुश रहें, और जैसे समीना जी खुश हैं, एक अच्छी ज़िंदगी की इन्होंने इब्तिदा की है और उसमें बहुत ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही हैं, इसी तरह ज़िंदगी में परेशानियों को भूल के खुशियों की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, यकीनन कहीं ना कहीं कोई खुशी आपका इंतज़ार कर रही होगी। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।